Hello everyone, how are you all doing? Welcome to your new chapter from your book Literary Journeys and English Reader Primer Book by Brain Root Series. तो आज हमारे चैप्टर का नाम है His and Her. चलिए तो आपको ध्यान रखना है हम his ऐसी belonging के लिए use करते हैं जो किसी boy की होती है, ऐसी चीज़ के लिए use करते हैं जो किसी boy की होती है, ठीक है? तो his कैसी चीज़ के लिए use करते हैं जो एक boy की होती है, और her कैसी चीज़ के लिए use करते हैं जो एक girl की होती है. तो her is used with belongings of a girl. जैसे he is Arun, it is his bag. ये उसका बैग है, अरुण एक लड़का है और ये उसका बैग है. तो मैंने आपको बताया बॉय के लिए हिज यूज़ होगा. शी इज़ आशी इन इट इज़ हर डॉल, ये उसकी डॉल है, गर्ल की डॉल है, ठीक है? चलिए नाउ इट इज़ डैश टॉय, ये एक लड़के का टॉय है ना, पिक्चर में देख सकते हैं, तो इट इज़ हिज टॉय. इट इज़ हर फ्रॉक, तो ये लड़की ने पहनी हुई है फ्रॉक, तो हम हर लिखेंगे. ऐसे ही सेकेंड वाले में Her pencil is long. His pencil आएगा या her आएगा? ये भी तो एक लड़की है, तो यहाँ भी her आएगा. तो her pencil is short. This is his car. देखो ये उसकी कार है ना, लड़के की कार है, एक man की कार है. और ये एक girl का house है. This is her house. सबको बात समझ आती है? Very good. Now we have some good habits. अब हम good habits के बारे में पढ़ेंगे. क्या क्या good habits हैं? सबसे पहले है get up early in the morning. हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए. We should get up early in the morning. Next हमारे पास है exercise daily. Exercise का मतलब क्या होता है? जब हम सुबह उठ के walk कर सकते हो, आप yoga कर सकते हो, तो आप किसी भी form में जब आप अपनी body को fit रखते हो ना, so that's exercise. So exercise daily. Next है brush your teeth twice a day. अपने teeth को हमें twice का मतलब दो बार, दिन में दो बार brush करना है. Next is take a bath daily. ठीक है? Pray to God every day. Speak politely. तो देखो ये good habits हैं जो आपको ध्यान रखनी है. कौन कौन सी हमने पढ़ी? Get up early in the morning, brush your teeth twice a day, exercise daily, take a bath daily, pray to God every day and speak politely. तो ये क्या है? ये good habits हैं. Right, next we have some more good habits. Let's read them also. Wear clean clothes. हमें clean clothes पहनने चाहिए. Eat healthy food. हमें healthy food खाना चाहिए जिससे हमें ताकत मिले, जिससे हमें energy मिले. Right, go to bed at time and we should sleep or you can say we should go to bed at time. ठीक है? So we have to encourage ourselves to follow these good habits. ये good habits हमारे लिए बहुत important है. ठीक है? आगे देखेंगे we have good manners. अभी हमने good habits पढ़ी हैं, अब हम good manners के बारे में पढ़ेंगे. Right? We say thank you. We say please. We don't interrupt or tease. हमें लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए अगर हमारे लिए कोई कुछ करता है. हमें रिक्वेस्ट करते हुए प्लीज़ बोलना चाहिए. वी डोंट आर्ग्यू, वी डोंट फस, वी लिसन व्हेन फोक्स टॉक टू अस. तो हमें बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, किसी को भी बैड फेसेस नहीं बनाने चाहिए. राइट? हमें किसी से आर्ग्यू भी नहीं करना चाहिए. वी शेयर आर टॉयज एंड टेक आर टर्न्स. गुड मैनर्स आरंट टू हार्ड टू लर्न. गुड मैनर्स इतने मुश्किल नहीं है हार्ड लर्न करने के लिए. राइट? हमें अपने टॉयज़ को शेयर करने चाहिए. राइट? इट इज़ रियली ईजी व्हेन यू फाइंड गुड मैनर्स मीन जस्ट बीइंग काइंड. सो गुड मैनर्स का मतलब सिर्फ अच्छा इंसान बनना होता है, काइंडनेस दिखाना होता है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट गुड मैनर्स दैट इज़ जस्ट वेरी सिंपल. इसका मतलब क्या होता है? काइंडनेस दिखाना. राइट? So that's it for this topic. Thanks for watching. I will meet you in the next one. Till then, goodbye and take care.